प्रकोत्सव पर्व है। इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से सरकार का कामकाज संभाला है। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसान और कृषि दोनों के प्रति रही है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि विगत 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई, जिनका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। वर्षों से प्रतीक्षा थी एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी खरीद को लगभग 2 गुना किया। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्सों की खरीद होती थी, मोदी जी के निर्देश के बावजूद कपास, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की भी खरीद प्रारंभ हुई है। देश भर में छोटे किसानों को आय सहायता देने के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई। 1,62,000 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से किसानों की जेब में पहुंचाने का काम किया। क्रॉप लोन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो क्रॉप लोन को इन 7 वर्षों में 2 गुना किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के कवरेज को भी बढ़ाने के सद प्रयत्न किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना की कमी लंबे समय से थी, इस अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधित किया गया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। अनेक संस्थाओं को इसका लाभ मिलने लगा है। फिर नीम कोटिंग यूरिया हो, चाहे हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ किसानों को देने का मामला हो, इन सब दृष्टियों से खेती और किसानी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन 3 कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यही नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि 0 बजट खेती हो, एमएसपी हो,
और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके वड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।